हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग तो मैंने सुबह सुबह से शुरू कर दिया। चाय नाश्ता मैंने बना दिया और आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं गोभी आलू प्याज के पकौड़े। तो ये थोड़े से बच गए हैं, ये ज्योति के लिए छोड़ दिए बचा करके। ज्योति अभी उठी नहीं है और ईशु ने खा लिया, ईशु के पापा ने खा लिया, मैंने भी खा लिया। धूप का आनंद लेते हुए हम छील रहे मटर। यहाँ पर ये ढेर सारी मटर है देखो, और इसका बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी। और आज मुझे जाना है मार्केट भी जाना है। क्यों जाना है? मैंने जो गोपी ड्रेस आप लोगों को बताई थी ना, वो लेके आई हूँ बरसाने से। उसका सिलने डाल दिया है ब्लाउज टेलर पे, तो वो आज लेके आना है। और कैसे बना है वो आप लोगों को दिखाऊंगी और गोपी ड्रेस भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है जी। पहले तो ये मटर छील लेते हैं यहाँ पे। ये देखो मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो बस खाली मैंने ये हुडी पहन लिया और नीचे ये सूट है। और घर का सारा काम मैंने कर दिया लगभग। और शाम के बज गए हैं, अभी बताती हूँ घड़ी में देख करके, 4:15 बज गए हैं उधर उस घड़ी में। और अब मैं जाने लगी हूँ मार्केट। अपना बैग मैंने लटका लिया, ये किचन विचन सारी साफ कर दिया, सारा घर भी साफ कर दिया, सारा काम फिनिश। आ करके बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी। हाँ जी बोलिए। अच्छा जी, ज्योति के लिए मुल्तानी मिट्टी लानी है, कहीं मिल जाएगी तो। उस दिन तो मिली नहीं थी, आज देखो मिलेगी तो ले आऊंगी। साथ जाने की बोल रही हो तो साथ तो चल नहीं रही है। ठीक है जी, चलते हैं अपना बैग लेकर के मार्केट में और ब्लाउज उठा के लाएंगे। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो ना मुझे ब्लाउज की हो रही है कि ब्लाउज बना है कि नहीं बना है। बन गया हो तो ले आऊंगी और फिर उसको पहन करके भी देखूंगी कि सही बनाया कि नहीं बनाया। मार्केट में पहुंच गई और ब्लाउज भी मैंने उठा लिया है। जैसे ही तुरंत पहुंची, सीधा मैंने टेलर की दुकान पर ही पहुंची और मैंने कहा बनेगा ब्लाउज? क्या हाँ बनेगा। तो अब ये चेक करके पता चलेगा कि कैसा बना, ठीक है जी। और अब खा लेते हैं गोलगप्पे, और कोई मुझे ज़्यादा काम नहीं है, बस ज्योति की मुल्तानी मिट्टी और लेनी है, वो मिल जाएगी, वो ले करके और चलती हूँ घर। मुझसे बात कर रही है गोलगप्पे खाने के बाद, अब लौट के भी जाने लगे हैं। मार्केट से वापस आ गई हूँ और मैंने ब्लाउज भी पहन कर देख लिया है, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, न टाइट न ढीला कुछ भी नहीं। और मैंने ना पूरी गोपी ड्रेस पहन ली है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा जरूर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत पसंद भी बहुत आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और भी लाऊंगी मैं बरसाने से या वृंदावन से, जहां भी मिलेगी ना और भी लेकर के आऊंगी। वैसे तो मैं ना शाम को मटर पनीर बनाने वाली थी, तो आइडिया हो गया चेंज। अब ईशु ने बोला कि दाल चावल बनाओ, तो मटर पनीर बनेंगे कल। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल और चटनी, हरे धनिया वाली जो चटनी होती है वो। तो मैंने दाल को धो करके इसमें रख दिया और बनाने लगे। इसको झाग आने लगा तो उसको मैं निकाल देती हूँ, फिर डालूंगी इसमें मसाले। दाल को मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो बाकी के ब्लॉग में मैंने बता चुकी हूँ, मैं दाल को जो ये झाग निकलता है ना इसको मैं निकाल देती हूँ। और
दाल भी बन गई है, चावल भी बन गए। अब दाल में लगा रही हूँ तड़का। खाना वाना सबने खा लिया है और अब मेरा दूध भी गर्म हो गया है और रात के बज गए हैं 10:15। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर समाप्ति करते हैं। और आप लोग बताना जरूर कि मेरी ये ड्रेस कैसी लगी, मेरी ये गोपी ड्रेस कैसी लगी। और जो इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं ना, तो वो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि गोपी ड्रेस का क्या मतलब, क्या क्यों मैं दिखा रही हूँ और क्यों पूछ रही हूँ। तो आप लोगों ने वो बरसाने वाला ब्लॉग नहीं देखा ना, इसीलिए। तो आप लोग बरसाने वाला ब्लॉग देखना, वृंदावन वाला, बरसाने वृंदावन जो राधा रानी के हम दर्शन करने गए, वहाँ से मैं ये गोपी ड्रेस लेकर आई थी, मुझे ये वहाँ मिली थी। और आज मैंने इसका ब्लाउज भी सिलवा के उठा के लेकर आई हूँ, तो आज मैंने वो ब्लाउज पहन कर देखा, सही बना है। तो इसीलिए आप लोग बताना जरूर कि ये गोपी ड्रेस कैसी लग रही है। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।